हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। सो गाइस, आज एक्चुअली मैं एक ऐसी जगह आया हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। तो फिलहाल आपको पता है, मतलब ऐसी जगह मैं आपको पहले गेस करने को दे रहा हूँ एक ऑप्शन। लाइक हम बचपन से उनका दूध पीते आए, और उनको हम एक माँ भी बोलते हैं, और अभी भी हम उनका दूध पीते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको नहीं समझा है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा दूँ किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये देखो, इनके बारे में, ये हमारी परम सुंदरी, अब जो हमारी मदर भी बोलते हैं, जिनको हम अपनी माँ मानते हैं, जिनका हम दूध पीते हैं और अभी भी बोलते ना पीते रहेंगे। और कैसे, फ़िलहाल इनको मैं थोड़ा एक्चुअली खाना देने को आया हूँ यहाँ पे। जो आप देख रहे हो मेरे पास, ये सारा मैंने भाकरी, मतलब बोलते हैं ना, काफ़ी बहुत सारा भाकरी है जो मैं इनको आज देने को आया हूँ। और कल एक्चुअली क्या था, कल मेरे सिस्टर का थोड़ा एंगेजमेंट था, सॉरी हल्दी था, जहाँ पे हम लोगों ने इन्जॉय किया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आप अभी वीडियो देख रहे हो, इसमें हम लोगों ने देखो, जैसे मेरे सिस्टर को हमने हल्दी लगाया, उसके बाद हमने डांस किया, डांस वगैरह किया, तो काफ़ी सारा खाना बच गया था, क्योंकि लोग इंजॉय करके काफ़ी लेट हो गए थे, घर चले गए थे। तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा और एक रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास कुछ खाना हो गया शादी में ज़्यादा बचता है, तो इंस्टेड ऑफ फेंक देते हो, तो उसके बदले आप किसी बंदे को, अगर आपको नहीं पॉसिबल हो तो किसी को अरेंज करो जो ऐसी सब चीज़ें फूड वगैरह आके वेस्ट करने के बदले वो इनको आके दे सके। तो कैसे, एक प्रॉपर जो मैनेज करते हैं उन पर भी एक लोड कम हो जाता है, मतलब एक बोलते हैं डोनेशन टाइप, उन पर भी लोड कम हो जाता है और एक हेल्प भी हो जाती है। तो फिलहाल मुझे भी यही आइडिया आया, तो मैंने भी ये क्या किया, मैंने भी ये जो भाकरी है, ये सारे भाकरी मैं यहाँ पे लेके आया, अब मैं इनको खिलाऊंगा, उसके बाद मैं ये जगह के बारे में कुछ आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद इसके ओनर से भी मैं इसे बात करूंगा और उनसे बताऊंगा कि मतलब इन लोग कैसे मैनेज करते। तो चलो पहले हम इनको खिला ले, काफ़ी भूखे होंगे। आ, आ. सिंह देख रहे हो आप, सिंह देखो, इसका पहचान है उसकी। हो काफी भूखे लग रहे हैं ये लोग। वेट वेट वेट, इनको इनको रुक जा रुक जा रुक जा, बस यार बस, तू अकेला खाइए, बाकी लोग क्या खाएंगे फिर। अरे ये तो यूटर्न मार के उधर से उधर आ गई है। देख रहे हो, मैंने इतना खिलाया फिर भी कम, एटलीस्ट कम ही पड़ता है, क्योंकि इन लोग को काफ़ी खाना लगता है, और वो बोलते हैं ना इनका पेट भरता नहीं, और इन लोग काफ़ी दूध भी प्रोड्यूस करते। तो फिलहाल मेरे पास इतना ही था, अगर और भी कुछ अगर आपके पास होता है ज़्यादा, तो आप यहाँ पे लेके आइए, मैं इसका डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लस मैं बता दूँगा ये कहाँ पे एक्चुअल रिसाइड है, मतलब आप वैसे अरेंज करके यहाँ पे आके उनको दे सकते हो।
तो देखते हैं अभी कोई यहाँ पे जो मैनेज करता है उनसे हम मिलते हैं और फिर उसके बारे में मैं आपको उसको उसका जो इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ और उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रस्टी आहे यश बिर्लाकडून, जे ट्रस्टी आहे ती इथं गवत वगैरे लागतं कमीत कमी दिवसाची जी गट्टे आहे ना त्या 30-35 गट्टे लागतात गट्ट्याला। हाँ तो आप देख सकते हो मतलब एक ट्रस्ट है जो मैनेज करता है प्रॉपर सारे सुंदरी को, मतलब सारे जो काउस वगैरह है उनको, प्लस इनको खाने वगैरह के लिए ग्रास वगैरह लगता है और प्लस रोज का ग्रास कोई लेके आके देता है, डोनेट लाके देता है या डोनेट भी करते हैं और ट्रस्टी के हिसाब से भी ट्रस्टी के हिसाब से जितना काउ रहेगा उतना हिसाब से उनको ला के देते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि जितना काउ है उस हिसाब से उन लोग फूड डेली का मुझे प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये ट्रस्टी के साथ जुड़े और ट्रस्ट का नाम था पक्ष सुरक्षक मंडल, पक्ष सुरक्षा जो ये ट्रस्टी का नाम है वो पक्ष सुरक्षा मंडल है, उसका प्रॉपर डिटेल्स मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर शेयर कर दूँगा। प्लस अगर आपको भी कुछ डोनेट करना है तो इनका वेबसाइट वगैरह भी होगा, ईमेल आईडी वगैरह तो नहीं, यहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर स्लिप वगैरह मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर तो मिल सकता है। तो मैं आपका इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डोनेट करना चाहिए तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए और यहाँ पे आके दे दीजिए। पिकअप वगैरह भी अवेलेबल करा के देंगे उन लोग। सो देखते हैं और मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं। वहाँ भी है जा सकते हैं, तो वहाँ पर सब दूध वाला गाएंगे। आगे आगे चलो फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए जैसे बताती थी। तो गाइस जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे आप डोनेट करके खिला सकते हो और यहाँ पे जो स्पेशल गाय है जिसका दूध आप रोज पीते हो उनको भी वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, उनको अलग से रखा हुआ है। मतलब देखो आप यहाँ पे अंदर जाके मैं थोड़ा अंदर जाने की भी ट्राई करता हूँ, होप सो उन लोग डर ना जाए मेरे से। पहले मैं डर नहीं ना। देखो मेरे आते ही उन लोग का आवाज़ आने लग गया, डर गए शायद वो या मेरे डर मुझे डरा रहे। यहाँ पे देख रहे उनके बच्चे वगैरह भी सारे के सारे दूध देने वाले एक बच्चे गाय का अलग से बोलते ना देखभाल किया जाता है, अलग से उनको ठीक से रखा जाता है, उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड किया जाता है। तो ताकि जो भी आप न्यूट्रिशन आपको दूध में मिलता है वो इनके थ्रू ही मिलता है, जैसे वो खाएंगे वैसे ही आपको दूध देंगे। तो ये अलग से उनका सब सारा मैनेजमेंट है जो इन लोग ही मैनेज करते हैं, इनको अलग से रखा हुआ है शेड में, काफ़ी अच्छे से रखा हुआ है, मतलब नीट भी है क्लीन भी, मतलब वैसा हाइजीन मत सोचो क्योंकि इन लोग खाते हैं तो वो थोड़ा बहुत गंदा होता है, फिर भी काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है। उसको गुस्सा आ रहा है मेरे पे, देखो चिल्ला रही है कैसे चिल्ला रही है वो ज़्यादा गर्मी की वजह से, ज़्यादा गर्मी की वजह से आपको दिखने में एकदम जायंट दिखेंगे जायंट, लेकिन एकदम बोलते ना कूल है कूल। हमेशा आपने देखा होगा कि शिव के मंदिर के सामने एक नंदी होता है, उनको एक वरदान भी होता है कि उनके कान में बोला हुआ चीज़ मांगी हुई चीज़ सबसे पहले शिव के पास पहुँचती है, वो वरदान इनको मिली हुई है। तो गाइस यहाँ पे देख रहे हो ये सारे काउ डंग है, मतलब जो डिकम्पोज होने के लिए रखा हुआ है सारे देख लो। सो इसका भी एक बोलते ना इसका भी एक बेनिफिट है, जो ये काउ डंग बहुत दिन तक रखते हैं इसका डिकम्पोज होने फर्टिलाइज़र बनता है जिसको बोलते हैं हिंदी में खाद। तो ये अगर जो आपके सॉइल में मिल जाता है तो सॉइल का न्यूट्रिशन बहुत बढ़ जाता है और उसके जो भी आप मतलब बोलते ना उसमें कल्टीवेट करते हो क्रॉप्स, उसके जो उत्पादन है मतलब जो
होता है वो एकदम अच्छे से होता है। तो ये प्रॉपर न्यूट्रिशन से हमें न्यूट्रिशन लगता है, वैसे सॉइल को भी न्यूट्रिशन लगता है। तो ये प्रॉपर एक्चुअल होता है जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी एक अभी रिसेंटली अगर आप चेक करते रहे हो सदगुरु को, सेव सॉइल का मूवमेंट चल रहा है, वो भी आप देख सकते हो, उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो। फिलहाल ये और आप देखो, ये काफ़ी अच्छा होता है अगर आपके फैमिली से कोई, मतलब काफ़ी लोगों के साथ होता है जो बैकग्राउंड, जिसका बैकग्राउंड होता है फार्मर का, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये ज़्यादा यूज़ होता है। और ये ज़्यादा बोलते हैं ना, बेस्ट वे है यूज़ करने के लिए इंस्टेड ऑफ केमिकल। जितना आप केमिकल खाओगे उतना आपको ही इशू होने वाला है आगे जाके। तो ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए।